भारत की नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात करती है। नवरात्रि में बेटियों को मां दुर्गा जैसी शक्ति देने का काम यूपी सरकार कर रही है। यूपी के रामपुर में प्रशासन ने मिशन शक्ति के तहत पूरे रामपुर के सभी थानों में बेटियों को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया है। रामपुर की बेटियों ने संभाली प्रशासन की कमान, कोई बनी एसडीएम तो कोई बेटी बनी कोतवाल। नवरात्र में देवियों की उपासना तो हर घर में हुई, लेकिन यूपी में मिशन शक्ति के तहत बेटियों को देवियों की सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि बेटियों को मां दुर्गा जैसी शक्ति कैसे खुद के अंदर विकसित करनी है ये सिखाया जा रहा है। इसी मिशन शक्ति के चलते यूपी के रामपुर जिले के पुलिस थानों का माहौल कुछ बदला नजर आया। रामपुर के सभी थानों के प्रभारी के तौर पर बेटियों ने थानों की कमान संभाली। वहीं एसडीएम और ट्रैफिक पुलिस के तौर पर भी बेटियां ही नजर आई। रोड पर इन स्कूली छात्राओं ने चालान भी काटे तो कई लोगों की समस्या सुलझाने में मदद भी की। रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली थाने में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्रा प्रतिभा कला को कोतवाल बनाया गया। वहीं कशिश खान को एसडीएम बनाया गया। सिविल लाइंस थाने की कोतवाल प्रतिभा ने राज्य मंत्री बलदेव औलख से थाने में बनी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन करवाया। थाना प्रभारी बनी बेटियों ने कई गाड़ियों की चेकिंग भी कराई और पूरे जिले में चेकिंग के दौरान 65 लोगों के चालान काटे। इन बेटियों ने नियमों को तोड़ने वालों से कुल 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पर्पस इसका ये है कि ये बच्चियां समझ सके कि थाने का कामकाज कैसे होता है, थाने पे इनके लिए या महिलाओं के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, अपराध होता है तो कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसे जनसुनवाई वहाँ पे होती है, थाने में क्या क्या हमारे पास साधन है जिससे हम पब्लिक को रिलीफ देते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रही है कि पुलिस को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस देखने पर फेस करने पड़ते हैं ये सब कराने में, और पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, पब्लिक कैसे पुलिस में हावी होना चाहती है, पब्लिक कैसे बदतमीजी करती है या पब्लिक कैसे कोऑपरेट करती है, दोनों पहलू ये देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन कैसे रहता है रोजमर्रा के। वहीं थाना प्रभारी बनकर प्रतिभा भी काफी खुश दिखी। प्रतिभा ने कहा कि महिलाओं को खुद आगे आकर पुलिस की मदद करनी चाहिए, तभी तो महिलाओं की मदद हो सकेगी। बहुत हेक्टिक ड्यूटी है पुलिस की और दिन भर ऐसे काम करना होता है। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, सारे लेडीज पुलिस जितनी भी हैं सबके व्रत भी हैं, तब भी इतनी धूप में काम करना होता है और लोग तब भी उन्हीं को गलत बता रहे हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं चिल्लाकर उनके ऊपर। ये बहुत गलत है और ऐसे कंटिन्यू चलान उनको काटना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लोग 5 रुपये का मास्क नहीं लगा रहे हैं, बीमारी हो जाएगी तो लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो 5 रुपये का मास्क लगाना ज़्यादा बेटर होगा उसके लिए। बेटियां जब इतने साहस के साथ जिम्मेदारी निभा रही हों तो भला प्रशासनिक अधिकारी भी कहां पीछे रहने वाले थे। इस मौके पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह भी इन बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।